नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो पूर्ण विराम। आज अपने इस विशेष शो में हम बात करेंगे उस खबर की जिसने रामपुर से लेकर लखनऊ तक सियासी टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। दरअसल आजम खान ने 3 साल पहले जो हेट स्पीच दिया था उसने उन्हें हिट विकेट कर दिया है और रामपुर की MP MLA कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को 3 साल के लिए दोषी करार दे दिया और सजा मिलने के साथ ही 30 घंटे के अंदर उनकी विधायकी को रद्द करने वाली चिट्ठी भी उन तक पहुंच गई। आजम के राजनैतिक जीवन में ये सबसे खराब दौर है। 45 साल के अपने राजनैतिक जीवन में यह पहली बार होगा कि आजम किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। आजम खान का बुरा वक्त तो 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त ही शुरू हो गया था, लेकिन 2022 का अक्टूबर महीना जाते जाते उन्हें सबसे बड़ा जख्म दे गया। अब आजम माननीय नहीं है, उनके नाम के साथ विधायक नहीं जुड़ा, साथ ही उनके राजनीतिक जीवन पर बड़ा पूर्ण विराम लग गया है। दरअसल सजा के 30 घंटे के भीतर ही आजम खान की विधायकी रद्द हो गई। रामपुर की शहर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। अब 9 साल तक आजम के सियासी करियर पर पूर्ण विराम है, क्योंकि आजम खान को 3 साल की सजा हुई है और सजा पूरी करने के 6 साल बाद तक वो अयोग्य बरकरार रहेंगे। राइट टू अपील में अगर जाते हैं और अपीलेट कोर्ट को लगता है कि कुछ एविडेंसेस ऐसे थे जिनकी जो नहीं इसमें कंसीडर किए गए या हो सकता है कि आजम खान को गलत तरीके से सजा दी गई, तो अदालतें हमेशा से उस सजा उस फैसले को रिव्यू कर सकती हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं, क्वैश कर सकती हैं। परंतु अभी तो यह तय है कि अभी की व्यवस्था के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के मुताबिक जो आजम खान है उनकी सदस्यता चली गई है। आजम क्या करेंगे और क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मौजूदा सच ये है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो चुकी है और इसकी वजह बना 2019 में उनका वो बयान जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिया था। कलेक्टर साहब, बहुत महंगी पड़ेगी आपको ये तकरीरें। हम बिलासपुर में शराब की हड्डियां नहीं चलाते हैं, हम नहीं कराते हैं कलेक्टर। अभी जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर गलत काम आजम खान ने कराया तो भरेगा क्या संगी सोम? भाई जिसने गलत काम किया वो भरेगा ना। आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने पाप किए हैं उन पाप का घड़ा भरा है, वो कार्रवाई हुई है, कोर्ट उसमें डिसीजन ले रहा है। भाई अगर सरकार कार्रवाई कर रही होती और कोर्ट उसमें डिसीजन ना ले रहा होता, कोर्ट कहता कि गलत कार्रवाई, अब तो कोर्ट भी प्रूव कर रहा है ना कि ये सरकार ठीक कर रही है। विवादित बयान को लेकर आजम एक बार नहीं बल्कि कई बार चर्चा में रहे और आखिरकार उन्हें अपनी जहर जुबानी का अंजाम भुगतना ही पड़ा। कोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें कही वो बहुत गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा, कानून की शिक्षा लेने वाले अनुभवी राजनेता हैं, कई बार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आजम के भाषण का जनता में अलग प्रभाव पड़ता है और भाषण देते वक्त भी विधायक के पद पर थे, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भड़काऊ थे। आजम के शब्द समाज को बांटने वाले थे, आजम के बयान से सरकार और प्रशासन का अपमान हुआ। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गलतियों पे गलतियां कर देते हैं। मैं भी आजम खान साहब से कई बार मेरी भी मुलाकात हुई है, जब वो बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, गद्य भी ऐसे बोलते हैं जैसे कविताएं पढ़ रहे हो, शायरी पढ़ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब बातचीत में उनके अंदर की भावना निकलती है, एक भड़ास निकलती है, भगवान जाने क्या उनके अंदर भड़ास है पूरे सिस्टम को लेके, पूरे देश को लेके। और मैं जरा सा एक इशारा उस तरफ भी करना चाहता हूँ, ये वही आजम खान साहब हैं जिन्होंने कि भारत माँ को डायन एक बार नहीं 2 बार कहा था। तो जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर है फिर केस भी उन्हीं पे बनेंगे। होता क्या था, जब सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, तो कोई कुछ भी कह देता था, बहुत ज़्यादा उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया होती है, मीडिया में प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि इस मामले में आकर सक्सेना ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और ये मुकदमा चला। पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, अब होने लगी है, बस इतना ही फर्क है।
आजम खान को अपने विवादित बयान का भुगतान 3 साल बाद करना पड़ा है। उन्होंने अपने बयान में पीएम मोदी, सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम को ऐसे ऐसे शब्द कहे थे जो न सिर्फ चुभने वाले थे बल्कि नेता की सोच पर सवाल भी खड़े करते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है जो शख्स 9 बार विधायक रहा हो, 1 बार राज्यसभा का मेंबर रहा हो, 4 बार मंत्री रहा हो, टके टके की रिश्वत लेने वाले अधिकारी हमारे जैसे लोगों के लाइसेंस खारिज कर देंगे, कैसे चलेगा? आजम के इन्हीं शब्दों पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 153A के तहत उन पर मुकदमा हुआ था जिसमें 2 समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना माना जाता है। 505A के तहत सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देने का ये मामला दर्ज था। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत भड़काऊ टिप्पणी का मामला भी आजम पर दर्ज था। एक इनके बारे में लोगों की सोच है कि दंगाई है या दंगे करा करके सत्ता में आते रहे, तो आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका स्वागत होना चाहिए। वो एक नज़ीर है नेताओं के लिए कि नेताओं को सद्भाव के लिए काम करना चाहिए और नेताओं को केवल राजनीति के लिए काम करना चाहिए, लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी के लोग भूल गए थे। तुष्टिकरण के राजनीति के माध्यम से ही ये सत्ता हासिल करते रहे। हालांकि कोर्ट ने आजम खान को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी, लेकिन उनकी सियासत पर बड़ा ग्रहण भी लग गया और विरोधी कहते हैं आजम को उनकी करनी का फल मिला है। उन्होंने जैसा बोया वैसा काटा। पुरानी सरकारें कानून का ठीक से पालन नहीं करा पाई। उन्होंने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में रामपुर में अराजकता और लोगों से के साथ व्यवहार और लोगों को लज्जित करना, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलना, लोगों के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करना, ये उनके स्वभाव में था। आजम खान पिछले कुछ दिनों से परेशानियों में घिरे हैं। उन्होंने बयान तो कई बार विवादित दिए, लेकिन इस बुरे वक्त में उनका बयान ही उन पर भारी पड़ गया। यह ऐसा दौर है जो आजम ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2019 के बाद से शायद ही कोई ऐसा हफ्ता या महीना नहीं गुजरा होगा जिसमें आजम खान को कोई बुरी खबर ना मिली हो। जब उन पर मुकदमा दर्ज होना शुरू हुआ तो उसकी संख्या 100 के आसपास पहुंच गई। 2 साल वो सीतापुर की जेल में रहे, जेल से लौटे तो हॉस्पिटल में रहे। अब उनके सियासत पर ऐसा दाग लगा है जिसे छुड़ाने में उन्हें वर्षों लग जाएंगे। हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सबसे बड़े अकलियत का नेता आज अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। आजम खान की विधायकी रद्द हुई तो रामपुर का आसमान धुआं धुआं हो गया। यह जश्न उसी शहर में मन रहा जहां कभी सिर्फ और सिर्फ आजम खान का सियासी सिक्का चलता था, लेकिन वक्त बदला तो आजम का वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ गए। जिस आकाश सक्सेना ने आजम को इस कगार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने समर्थकों के साथ जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी से आसमान में सत्यमेव जयते लिख दिया। आजम के जो अत्याचार हैं, आजम के जो जुल्म हैं, वो रामपुर का बच्चा बच्चा जानता है। और अगर इसकी आवाज़ अगर हम नहीं उठाते तो कोई और उठाता, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात है। और जब जब आजम के जुल्म ये रहेंगे तब तक ये आवाज़ उठेगी और आजम के विरुद्ध ये पैरवी मजबूती के साथ। रामपुर में आजम खान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो आकाश सक्सेना है, क्योंकि आकाश सक्सेना आजम पर दर्ज करीब 80 केसों में पैरवी कर रहे हैं। आकाश आजम पर दर्ज 40 से ज्यादा मामलों में सीधे पक्षकार हैं। पहले फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अब्दुल्ला की विधायकी रद्द करवाई, अब भड़काऊ भाषण के मामले में आजम की विधायकी रद्द करवा दी। आकाश भाजपा नेता रहे शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं और उनके पिता कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकार में
मंत्री भी थे, जबकि भाजपा के टिकट पर 4 बार विधायक भी चुने गए थे। देखिए, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि बाप और बेटा इन दोनों की विधायकी का जाना और दोनों की विधायकी न्यायालय के माध्यम से जाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है। ये दर्शाता ये है कि आजम ने गलत तरीके से राजनीति की और गलत दिशा में राजनीति की। आजम के खिलाफ आकाश सक्सेना भले ही कानूनी लड़ाई जीत गए, लेकिन जनता की अदालत में आकाश मात खा चुके हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में रामपुर शहर सीट से आकाश सक्सेना ने आजम के खिलाफ ताल ठोकी थी, लेकिन आजम ने करीब 55,000 वोट से उन्हें हरा दिया। और जब आजम कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद बाहर निकले, तब भी उन्होंने ऐसा तंज कसा मानो उन्हें फंसाया गया है। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। कुछ नहीं, सारा जीवन ही संघर्ष का है। इंसाफ के कायल जो भारतीय न्यायपालिका है वो दुनिया में एक नज़ीर है सबके लिए, और उन्होंने जो फैसला दिया है उसके इंसाफ के कायल वही नहीं, हम भी हैं और हर हिंदुस्तानी है। यानी आजम खुद को अभी भी दोषी नहीं मानते, उनके बयान तो कम से कम यही इशारा करते हैं, और वो भी तब जब ये फैसला एमपी एमएलए कोर्ट से आया है। देखिए, वो कभी अपने आप को दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि दोषी मानेंगे तो उनकी खुद की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। उनकी राजनीति एक आक्रोश की राजनीति है, विरोध की राजनीति है, तो जाहिर है कि वो अपने आप को कभी निर्दोष नहीं मानेंगे। जहां तक तंज कसने का मामला है, कोर्ट का फैसला आते ही उन्होंने कहा कि साहब मैं फैसले का कायल हो गया, ये एक तरह का तंज है, उन्होंने मजाक उड़ाया है कानून व्यवस्था का। तो ये मजाकिया अंदाज उनका हमेशा ही रहा है और पहले भी हमेशा ही वो विवादों में रहे हैं। अब मैं तो यही चाहूँगा कि उम्र के इस दौर में कम से कम अब वो सहज जीवन जीना उनको चाहिए और इस तरह तंज नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। करीब 5 महीने पहले ही आजम खान सीतापुर जेल से बाहर निकले थे, वो तारीख थी 20 मई, लेकिन जब से वो बाहर निकले उनका अधिकतर समय या तो अदालतों के चक्कर काटने में बीता या फिर अस्पताल में। इस बीच रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव भी हुआ जिसमें आजम खान को करारा झटका लगा, यानी कानूनी मोर्चे पर हो या राजनीतिक मोर्चे पर, आजम को जेल से बाहर आने के बाद भी बुरे समाचार ही सुनाई दिए और अब भाजपा आजम पर हमलावर है। आजम खान जी के ऊपर न्यायालय का यह आदेश सामाजिक क्षेत्र के लोगों के लिए नजीर स्थापित होगा कि हमको सबको सामाजिक दायरे में रह करके ही किसी का विरोध करना चाहिए और विरोध राजनीति में नीतिगत विरोध होना चाहिए, कार्यों का विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत विरोध नहीं होने चाहिए। देखिए, आजम खान शुरू से भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। आजम खान हुए, ओवैसी हुए, ये लोग, इनका तो काम है इसी तरीके का। चाहे ओवैसी हैदराबाद में बैठ के दें या आजम खान रामपुर में बैठ के दें, इनका पुराना काम है इस तरीके की हेट स्पीच देने का, इस तरीके से लोगों को बरगलाने का, इसी तरीके से लोगों को भड़काने का, देश में अव्यवस्था बनी रहे, वो काम है इनका। इन पर कार्रवाई है, आजम खान पर हुई है, बाकी दूसरे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। कोर्ट का निर्णय सराहनीय निर्णय है कि जो कोर्ट ने निर्णय दिया है। आजम खान के साथ भी वही हुआ है जो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ 2 साल पहले हुआ था। 2020 में अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी रद्द हुई थी, वो मामला फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था। साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने से कम थी। आरोप है कि तब उन्होंने अपना फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था, तब अब्दुल्ला रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक बने थे। लेकिन अब कहानी आजम खान की है और सपा के सवाल सरकार की नीयत पर। तमाम ऐसे बड़े बड़े अपराधी हैं जिनका 20-20 साल में फैसला नहीं हुआ है, जिन्होंने हत्याएं करी हैं, बलात्कार में शामिल रहे हैं, अपहरण किए हैं, लेकिन उनको सजा नहीं हुई है, और इतनी जल्दी आजम खान के ऊपर फैसले की जो है वो निर्णय हो गया है। हम लोग इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे और जो फैसला हुआ है निचली कोर्ट से उसको चैलेंज करने का काम करेंगे। कहानी सिर्फ आजम खान की नहीं है, सपा का गुस्सा तो उन तमाम सपा के नेताओं को लेकर भी है जो या तो जेल में बंद है या फिर मुकदमे में फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
आजम खान को छोटे मोटे कानूनी झटके झेलने की आदत सी पड़ गई थी, लेकिन इस बार का झटका जरा जोर का है, जिससे उबर पाना शायद आसान नहीं होगा। इस बार का फैसला उनके सियासत पर पूर्ण विराम लगा चुका है। वो सांसद का चुनाव, विधायकी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जनता के बीच तो जाएंगे, लेकिन अब माननीय नहीं कहलाएंगे। यूं तो राजनीति में कद कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो सम्मान सांसद और विधायक के तौर पर वो पाते रहे, अब नहीं पाएंगे। धीरे धीरे ये दर्द ऐसा है जो वक्त के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। आजम को भले ही कोर्ट ने आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुना दी हो, आजम खान भले ही अब विधायक ना बचे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में आजम खान का कद कल भी ऊंचा था और आज भी ऊंचा है। आजम की विधायकी गई तो अखिलेश सीधे उनके बचाव में उतर आए। अखिलेश ने कहा कि विपक्ष के प्रति लगातार कार्रवाई जारी है। आए दिन विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा धूमिल की जा रही, विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा, सपा नेताओं के प्रति भाजपा का रवैया दुश्मन जैसा है। सरकार के सबसे ज्यादा निशाने पर लोकप्रिय नेता आजम खान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। विपक्ष की आवाज दबाने का काम हो रहा है। हम सरकार के हर जुल्म, अन्याय, अत्याचार और दमन का मुकाबला करेंगे। हम जनता के मुद्दों को लेके सड़क से विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। कुछ लोग समाज में ऐसे हैं कि विद्वेष की भावना से, विघटन की भावना से, दंगा फसाद फैलाने की भावना से, भाई से भाई को लड़ाने की भावना से कुछ ना कुछ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इससे उन पर रोक लग सकेगी और उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। समाजवादी पार्टी ने गोला विधानसभा सीट के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की, उसमें भी आजम खान का नाम अखिलेश के ठीक नीचे दूसरे नंबर पर है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में आजम खान के कद को इस तरीके से समझिए कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से ऊपर आजम खान का नाम लिखा गया है और आजम के बाद भी किसी का नाम लिखा गया है। और अब अखिलेश ने आजम खान का नाम लेकर सीधे सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा, आजम खान पर रोज फर्जी केस दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा। आजम भाजपा सरकार की आंखों को खटक रहे हैं क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतों के धुर विरोधी हैं। आजम खान तो संविधान और धर्मनिरपेक्षता के लिए संघर्ष करने वाले नेता हैं। नफरती राजनीति का विरोध करने वाले आजम भाजपा की आंख की किरकिरी बन गए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की सदस्यता निरस्त करने से समाजवादी पार्टी दमन और जुर्म के आगे झुकने वाले नहीं है। हम सरकार के खिलाफ लगातार अनवरत संघर्ष करने का काम करेंगे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आजम के तर्कों और तीखे बयानों से भाजपा नेता असहज रहते थे और इसी का नतीजा है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र के बीज बोए जाने लगे। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि आजम ने जो उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान जौहर यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ा किया, उसे भी ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही। इन्होंने लूट करके और जमीनों पर कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई, लोगों को डरा धमका करके वोट हासिल की, दंगे करा करके विधायक बने। आज इनकी जब सदस्यता गई है तो इनको याद आ रहा है और ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम लोग कर रहे हैं। आजम पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, लेकिन पहली बार उन्हें किसी मामले में सजा हुई है और ये सजा उनके राजनीतिक जीवन पर बड़ा असर डालने वाली है। आजम अब तक सोचते थे कि उनके बयानों का उनके राजनीतिक जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बार आजम फंस गए। जहां तक मैं समझता हूं, वो गलती करते ही इसलिए हैं क्योंकि वो कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। वो जानते हैं कि किस तरह बचकर निकला जा सकता है। जैसे ये उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है, अब आप इसमें देखिए कि जो कोर्ट उनको सजा सुनाए रही है, वो कोर्ट हाथों हाथ उनको जमानत पर भी रिहा कर रही है, तो हर आम आदमी को ये जानकारी नहीं है। और उन्होंने बाहर निकलकर अपने बेटे अब्दुल आजम से भी कहा कि इसमें जमानत का प्रावधान है और मुझे जमानत मिल गई है, तो वो जानते हैं किस तरह बचा जा सकता है, शायद इसीलिए वो गलतियां करते हैं।
कुल मिलाकर 10 बार के विधायक, कई बार सरकार में कद्दावर मंत्री रहने वाले, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में सदस्य रहने वाले आजम खान मुश्किल वक्त में घिरे हैं। और ये मुश्किल ऐसी है जो वक्त के साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी तो फैसला सिर्फ एक मामले में हुआ है, 100 से ज्यादा मामले तो पूरे होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आजम खान की विधायकी गई तो विधानसभा में सपा का एक सदस्य कम हो गया, लेकिन आजम अखिलेश के लिए वो शख्स हैं जो खुद चुनाव भले न लड़े लेकिन सपा को वोट दिलाने में हमेशा मददगार साबित होंगे। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बचाव में भाजपा के नेताओं पर बदजुबानी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता आजम के सहारे अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं। आजम सिर्फ एक नेता नहीं है, आजम तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश की एक बड़ी ताकत है जो बरसों से सपा को मजबूत बनाते आए हैं। अखिलेश यादव आजम की मौजूदगी को अच्छे से समझते हैं, तभी तो जैसे ही आजम की विधायकी की गई उन्होंने सरकार पर हमले तेज कर दिए। अखिलेश ने आजम के अच्छे काम भी गिनाए, उन्होंने कहा सपा सरकार के दौरान आजम खान ने कुंभ की तैयारियों पर निगाह रखी, कुंभ मेले में उनके काम की साधु संतों ने भी प्रशंसा की, कुंभ की सफलता पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आजम की तारीफ की थी। दरअसल आजम उस वक्त नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। देखिए लोकतंत्र में जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है, और जनता की अदालत में माननीय आजम साहब कई बार सांसद कई बार विधायक रहे। आज जिस तरीके से हड़बड़ाहट में उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, माननीय आजम साहब माननीय न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देंगे और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़ी। आजम की विधायकी रद्द होने के बाद अखिलेश ने भाजपा सरकार को नई चुनौती भी दे दी है। उन्होंने कहा मोहम्मद आजम खान सामान्य व्यक्ति नहीं, उरामपुर से 10 बार विधायक, 3 बार सांसद, राज्य सरकार में कई बार मंत्री, नेता विपक्ष भी रहे। भाजपा ने उनको राजनीति में किनारे लगाने की जो साजिश की है वो उन पर ही भारी पड़ेगी। जनता भाजपा के अनैतिक आचरण को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी पहले मुकदमे लिखवाती है और फिर सरकारी वकील सारे मिल करके ये प्रयास करते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं विधायकों के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाएं और वो कोर्ट से सजा हो जाए, लेकिन हम लोग इस तरह के दमन और जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सपा का आरोप है कि हेट स्पीच तो भाजपा के नेता भी देते हैं लेकिन कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर हो रही। ये किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हेट स्पीच देते हैं? किसने कहा ये? और भाजपा का कोई नेता इस तरीके का, हम चूंकि हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम करते हैं, इसलिए हेट स्पीच का हमारा मतलब नहीं। जो हेट स्पीच देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई हो रही है, कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में कहाँ से आ गई? आपने देखा होगा अभी एक सजा का ऐलान हुआ है, सजा का ऐलान हुआ, हालांकि वो स्वतंत्र चीज़ है, लेकिन सरकार की कथनी करने में कितना अंतर है। हम तो न्यायिक प्रक्रिया वाले लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आपके दरवाजे पर व्यक्ति न्याय पाने आता है। अभी यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक ने बसेड़ा में जाकर बयान दिया, उस पर 800 रुपये का जुर्माना, और अभी क्या हुआ एक जगह से उसी इस तरह के बयान, वो भी प्रधानमंत्री से आपके DM साहब से पूछी गई, 3 साल की सजा। सोचिए किस तरह का हिंदुस्तान हम लोग बना रहे हैं। मुद्दा आजम का है तो मामला भाजपा के नेताओं के भी गिनाए जा रहे। कोई कहता है देश में 2 कानून बन चुके हैं, एक भाजपा के नेताओं के लिए और दूसरा विपक्ष के नेताओं के लिए। इस देश में बाबा साहब ने एक संविधान दिया था, लेकिन संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इस देश में 2 कानून बना दिया गया। RSS के इशारे पर काम करने वाले कुछ भी बोले, कुछ भी करें, उनके बयानों से दंगा मच जाए, उनके बयानों से लिंचिंग हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, लोगों की हत्या हो जाए,
वो बलात्कार कर लें आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले, फिर भी पुलिस ऐसा काम करती है कि जिससे उनको सजा ना हो। आजम खान किसी की नजर में सियासत के बेचारे हैं तो किसी की नजर में अपना ही बोया काट रहे हैं, लेकिन भाजपा की नजर एक कदम आगे है। अब भाजपा ने आजम खान की सीट पर उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। हम लोग, हमारे संगठन की पूरी पार्टी की पूरी तैयारी है, हम रामपुर की विधानसभा का चुनाव भी पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और मैनपुरी की लोकसभा का उपचुनाव भी पूरी तैयारी, पूरी रणनीति बनाकर हम लोग सब लोग लगकर और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है लोकसभा में सब सीटें जीतने का, उसको पूरा करेंगे। आजम कानून के फंदे में है, कभी उनकी जौहर यूनिवर्सिटी में जांच होती है तो कभी दूसरे मामले में उनकी मुश्किल बढ़ जाती है, लेकिन सवाल अखिलेश यादव का है जो बार बार उनके बचाव में खड़े होते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान भी अखिलेश ने आजम का खुलकर बचाव किया था। यही हमने, आपने देखा कि एक विधायक चिल्लाता चला गया कि AK-47 हमारे पास रख दी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस घेर करके न कहीं बम न रख दे, कहीं AK-47 न रख दे उस यूनिवर्सिटी में उन्हें झूठा फंसाने के लिए। वहाँ के अधिकारियों को निर्देश हैं सरकार की तरफ से कि जितना परेशान कर सकते हो, जितने झूठे मुकदमे लगा सकते हो वो लगाइए। आप उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है। दरअसल अखिलेश आजम का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि सवाल मुस्लिम वोटर का है। वैसे भी इमरान मसूद पार्टी का साथ छोड़कर कम समय में ही चले गए, जो मुस्लिमों के बीच नया संदेश पैदा कर रहा। ऐसे वक्त में अखिलेश आजम को लेकर वो गलती नहीं दोहराना चाहते जो पिछले दिनों की थी, फिर चाहे आजम कोर्ट में दोषी साबित हो या फिर कहीं और से। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। आजम खान को सजा हुई तो सियासी तपिश भी बढ़ गई। किसी को आजम के प्रति सिंपैथी है तो आजम उसे मजबूर और बेचारे नजर आते हैं, तो भाजपा नेताओं को जैसी करनी वैसी भरनी के मुहावरे याद आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे आजम के खिलाफ क्या नेताओं की बदजुबानी अब भी बंद होगी या चलती रहेगी? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।